तो हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेडमैन्स के जो एडमिट कार्ड है। तो काफ़ी समय से जो छात्र इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार हो चुका है ख़त्म, और यहां पे आज फाइनली एडमिट कार्ड है जो कि आ चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, और आपका एडमिट कार्ड कर किस प्रकार से डाउनलोड होगा वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखते चलें, आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को थंबनेल पे यहाँ पे बना दिया है, जो कि आपको फॉर्म कुछ समय पहले डले थे, यानी लगभग मान लो 8वें महीने के समथिंग फॉर्म डले थे, तो उसके जो कि एडमिट कार्ड है तो आ चुके हैं। उसकी डायरेक्ट लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। और भी अन्य कुछ डाउट है तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो जहाँ पे हम लेके आ चुके हैं अपने पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे हमने क्या लिंक बना रखी है पहले से ही, देखिए। तो ये रही लिंक, ये लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके सामने जो कि इस प्रकार से लिंक खुल के आ जाएगी, आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन जिस समय आपने फॉर्म भरा था वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, या आप नंबर भूल गए हो तो ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हो। इन दोनों के बाद डालने के बाद, जैसे कि मैंने अपना फॉर्म भरा था तो मैं यहाँ पे कंपलसरी एक अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे अटैच करके बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, और इसके बाद यहाँ पे रह जाएगा पासवर्ड। तो पासवर्ड में आपको जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे आप पासवर्ड भर लीजिए, और इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट होता है तो यहाँ पे आप सो पासवर्ड भी कर सकते हो। इसके बाद बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप कैप्चर कोड को ज़्यादा ध्यान से भरिए, क्योंकि कैप्चर कोड में यानी अक्सर गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जिन भाइयों के पास जिनको एडमिट कार्ड निकलवाना है तो तुरंत ही हमारे नंबर पे या हमारे ईमेल पे या हमारे इंस्टा पे किसी पे भी आप अपना आईडी पासपोर्ट विश्वास के साथ भेज सकते हो, हम आपके एडमिट कार्ड है तुरंत प्रोवाइड आपको करा देंगे। क्योंकि अभी मेरे पास किसी के आईडी पासपोर्ट नहीं है तो इसलिए मैं आपके लिए आगे की प्रोसेस नहीं बता पाऊंगा। बस आपको क्या करना है, अगर आपके आप खुद से देखना चाहते हो तो सिंपल सी लिंक पे क्लिक करोगे, सेकेंड स्टेप में आपको ये इंटरफेस खुल के आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना है या ईमेल आईडी डालनी है, इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर का ध्यान रखते हुए कैप्चर यहाँ पे भर देना है और लॉगिन कर देना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो बाई चांस तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, इसमें आपको क्या करना है देखिए यहाँ पे बता देते हैं। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस खुल के आएंगे। इंटरफेस खुलने के बाद आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय दिया था वो यहाँ पे आपको भरना है। इसके बाद जो ईमेल आईडी भरी, यानी कि जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते समय दी थी वो भरनी है, और यहाँ पे जो कैप्चर कोड, और उसके बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है। और किसी भाई को एडमिट कार्ड निकालना है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना आईडी पासवर्ड तो नहीं दोगे, हमें आप व्हाट्सअप नंबर में पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख के कर लेना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा लिंक को। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड भारत माता की जय।